Hello everyone, today I am going to discuss the syllabus of B.Ed. First Sem First Paper Philosophical and Sociological Perspective of Education. इसमें फर्स्ट यूनिट आपका है एजुकेशन, जिसमें आपको मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, फॉर्म्स, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स ये पढ़ाया जाएगा. फिर आपका सेकेंड पॉइंट है इसमें एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया पढ़ाया जाएगा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हेयर. सेकेंड है आपका फिर इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आएगा. ये देखिए इसमें सोशल मीडिया, एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फिर आते हैं हम सेकेंड यूनिट पे. सेकेंड यूनिट में फिलॉसफी का पहले मीनिंग होगा, कॉन्सेप्ट, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी. स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म ये सारे स्कूल्स हैं. इनका आपको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी रोल बताया जाएगा, उससे रिलेटेड किया जाएगा, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. फिर इसमें आपके एजुकेशनल थॉट्स आ जाते हैं, गांधी जी, टैगोर, डीवी, प्लेटो, रूसो, विवेकानंद और भी बहुत सारे हैं. और फिर आपका कंपैरिजन आ जाएगा, तो इसमें एजुकेशनल थॉट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जितने भी दिए गए हैं. फिर इसमें एक और क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट बनता है, कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी. ठीक है, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है और कंपैरिजन ऐसे भी पॉइंट वाइज भी आप बता सकते हैं. फिर आते हैं थर्ड यूनिट पे, इसमें आपका सोशियोलॉजी है. फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है वो आपकी फिलॉसफी से डील करती है, और सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट जो है आपकी वो सोशियोलॉजी से डील करती है. इसमें तो इसमें आपको सोशियोलॉजी का मीनिंग, नेचर और डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बीच में. सोशलाइजेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है. फिर आपका आता है सोसाइटी, सोसाइटी में कल्चर है, मीनिंग है, रिलेशन है, सोशल चेंजेस इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है. सोशल मोबिलिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल स्टार्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर आते हैं फोर्थ यूनिट में, फोर्थ यूनिट आपकी डाइवर्सिटी और कंस्टिट्यूशन से डील करेगी. इसमें कंस्टिट्यूशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में भी क्वेश्चंस आते हैं मल्टी कल्चरल से, इनइक्वालिटी से, मार्जिनलाइजेशन से, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें. कंस्टिट्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें प्रियम्बल है, इट्स इन्फ्लुएंस है, इनइक्वालिटी, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, मार्जिनलाइजेशन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग डाइवर्सिटी, मल्टी कल्चरल एजुकेशन ये भी लास्ट का आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. थैंक यू एवरीवन.